नमस्कार, मैं हूं कन्या शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज। मैं इस वक्त नरेला में मौजूद हूं और मेरे साथ सोशल वर्कर प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, ये बताइए आज जो आप लोग हैं सोशल वर्कर जो काम कर रहे हैं, अभी आपने बकुली के अंदर भी कुछ अपने सामान बांटे थे और फिलहाल अभी नरेला पॉकेट 11 में भी आप सामान बांट रहे हो, इसका संदेश क्या है ये बताइए पहले। देखिए आज जो है हमारा दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन और इसके साथ नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से हम 1 मई 2024, 1 मई का मतलब है कि मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम महिला श्रमिकों को, महिला मजदूरों को सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं, जिससे कि क्या कहते हैं उनको कोई गुप्त रोग की बीमारी ना हो, उनको कोई संक्रमण ना हो, उनको खुजली ना हो, उनको मतलब जो भी दिक्कत उनको गुप्त रोग से संबंधित है वो ना हो, इसके लिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम लोग सैनिटरी नैपकिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि क्या आते हैं, हम हर महीने इनको टाइम से टू टाइम हमको प्रोवाइड कर पाएँ, जिससे कि कपड़े का इस्तेमाल ना करें। कपड़े का इस्तेमाल करने से उनको काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, जांघें छिल जाती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं उनको, और ये कई कई घंटे तक मतलब वो रहती हैं साइड पे काम कर रही होती हैं, श्रम के मारे आदमियों के सामने नहीं जा पाती हैं, खुले में नहीं जा पाती हैं, तो वो घर पे ही आगे कर पाती हैं। तो 12 घंटे में अगर वो घर में आगे करेंगी तो जाहिर सी बात है उनकी तबीयत खराब होनी होनी है, चेंज नहीं कर पाती वो कपड़ा। लेकिन सैनिटरी पैड ऐसा है कि वो हर 4 घंटे में उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। उनको मैंने बताया कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उनको जानकारी दी, उनको समस्याएँ भी हैं काफ़ी महिलाओं को, तो इसके बारे में बताया। साथ में ही मैंने उनको ये आज हमने बात करी कि बच्चों के स्कूल के एडमिशन को लेकर के, क्योंकि अभी हमारे स्कूल के एडमिशन चल रहे हैं और 15 मई से फिर दूसरा बैच शुरू हो जाएगा हमारा, अगर इनको बच्चों के एडमिशन कराने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम उसका पूरा करवाएंगे और बच्चे का एडमिशन करवाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि श्रमिकों का बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाओ, मेन स्ट्रीम से जुड़े। तो हमने आज इस विषय पर ही बात करी, किसी का बच्चा अशिक्षित ना रह जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है हम उसको सफल बनाने के लिए आज हम इसको इसमें भी आए कि हम उनको ये भी बताएं कि भाई आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, एडमिशन नहीं हो रहा हमें बताएं, हम जहाँ पर हो सकेगा हम आपके बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, नज़दीकी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन करवाएंगे। तमाम जो चीज़ आप सोशल वर्कर की तरह आप लोगों की हमेशा मदद करते हैं, मैंने आपसे कई बार आपसे बात करने की कोशिश करी है मैडम। जो कल का जो मुद्दा है आपने जो स्कूल के अंदर जो मतलब बालिका के साथ इतना बड़ा जो कांड हुआ था उसके भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसके भी मैं आपने क्या मुद्दा उठाया था मैडम? जो बालिका का जो मुद्दा था कि स्कूल में जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ी जो निकल कर आया, जो हमने देखा कि वो जो हम गुड टच और बैड टच बताते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी बच्ची को या किसी बच्चे को खड़ा करके हम उसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको बता रहे हैं तो बच्ची या बच्चा कोई भी हो दोनों अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो स्कूलों में डमी का इस्तेमाल होना चाहिए बच्चे के बजाय, क्योंकि उसमें वो जो बताना टीचर बताने जा रहे हैं उसका नेगेटिव रोल निकल रहा है, वो सोच रहे हैं कि गलत किया जा रहा है। लेकिन गुड टच बैड टच हमें घर से भी बताना चाहिए लेकिन स्कूल में, लेकिन डमी का इस्तेमाल करें, बच्चों को बताएं कि खिलौना दिखा करके, गुड्डा गुड़िया दिखा करके उनको बताएं कि भी बेटा ये ऐसे ऐसे, आपको सिर्फ ना कहना है, अगर कहीं आपको कुछ ऐसा होता है तो आप बताइए कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया। तो वही बात कल बच्ची की निकल कर आई कि उन्होंने बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, और उसको लेकर एक आंदोलन छिड़ा और हमने मांग करी कि भाई स्कूल के टीचर को सस्पेंड किया जाए, टीचर का ट्रांसफर होना चाहिए, स्कूल में गेटकीपर होना चाहिए, कैमरे और लगने चाहिए, बच्चों से कोई सफाई नहीं करवाया, बच्चों को उनकी जो टीचर की जो डिमांड है कि टीचर कम है, टीचर की संख्या बढ़ाई जाए, जैसे कि एक बच्चे टीचर 40 बच्चों को देख पाए और उनके सेक्शन भी बांटे जाए। और हमने ये भी कहा, क्योंकि उस स्कूल में SMC भी नहीं थी, और हमने कहा कि SMC नहीं है तो SMC का गठन भी वहाँ पर होना चाहिए, और SMC रहेगी, SMC उन बच्चों के पेरेंट्स को बनाएं जो पेरेंट्स एक्टिव हैं, जो बच्चे पेरेंट्स मीटिंग में आ सकते हैं, जो समझ सकते हैं और लोग उनकी बातों को मानते हैं, ऐसे लोगों को लेकर के SMC का गठन किया जाना चाहिए। खुद भी टीचर्स को नहीं पता कि उनके स्कूल में SMC है या नहीं है, SMC क्या है, तो कल ही ये बात पता चली कि हमने जब उनको बताया कि SMC ये है। इसी के साथ हमने DCPCRC से ही बात करी, उन्होंने भी इस चीज़ को लिया और हमने पेरेंट्स को लेकर के FIR भी दर्ज करवाई और उसके बाद हम लोग वापस आ गए। तो हमने जब ये डिमांड थी हमने उसको किया। दिल्ली के फिलहाल नरेला के इलाके में तमाम ऐसी घटना कई बार घट चुकी, दिल्ली में चौथा केस है ये। फिलहाल हमारे कुछ और भी फैमिली मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम आप बेटा आप ये स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़ते हो बताइए पहले आप? सर मैं स्कूल में नहीं पढ़ती, मैं अभी बकोली में पढ़ा रही हूँ बच्चों। अच्छा। को और मैं यहाँ हूँ, मैं दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर के साथ 1 साल से काम कर रही हूँ, युवा नेहरू युवा के साथ। हमारे साथ कुछ और भी जो महिला मौजूद है उनसे हम पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो रही है। मैडम ये बताओ क्या क्या दिक्कत है बताओ पहले। मुझे तो पता नहीं अभी तो, मतलब आप यहाँ पे रहती हो आपको ये नहीं पता कि भाई दिक्कत क्या, आप लोग कोई दिक्कत तो बताओगे मैडम, क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत तो है बहुत, आप देख लीजिए ये, मतलब आप
सामने ही देख रहे हैं कितना ये नहीं। मेरा जो कल का जो मुद्दा है स्कूल का, स्कूल की जो सेफ्टी है, आप लोगों में से आप लोगों के बच्चे भी स्कूल में जाते होंगे, इस बीएफपी सिक्योरिटी के लिए आप क्या मतलब क्या मांगना, मतलब क्या आप लोगों की आप डिमांड बताइए पहले। हाँ, सिक्योरिटी तो होना चाहिए अंदर लेडीज का। वो चार बार स्कूल के प्रिंसिपल से कंप्लेंट देने के बावजूद भी आप लोगों के बच्चों के साथ ऐसी हरकत हुई है, उसके बारे में आप क्या कहोगे मैडम, ये बताइए पहले। ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ना भेजोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कितना भरोसा करते टीचरों पे ये बताइए पहले। बिल्कुल नहीं, आजकल के उसमें बिल्कुल ही भरोसा, मतलब ऐसा कल के बारे में देखी मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मेरा भांजा कल ही एडमिशन हुआ था लक्ष्मी कोर्स में, तो भांजा के बताया ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बताओ, फिर कल ही बच्चे स्कूल गए, मतलब वो सोच रहे कि अब नाम कटवा के हम कहीं और डालेंगे। दिक्कतें बहुत सारी है, पर कुछ महिला मतलब उनको बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, पर ऐसा कुछ खुल के बोलें। अरे हमारे साथ और भी कुछ महिला हैं जो बात करने के लिए तैयार है। मैडम ये बताइए, सबसे पहले जो दिक्कतें हैं इस वक्त जो दिल्ली के हमेशा स्कूलों के अंदर जो हमेशा कुछ ना कुछ घटना घटती है और तमाम दिल्ली शहर में ऐसा चौथा क्राइम है, जो क्राइम की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ स्कूल में नहीं जाती, स्कूल के टीचर भी मतलब अनटच करते हैं, तो उसको दिक्कत बहुत सारी है, उसके बारे में आप मैडम ये बताइए क्या कहोगे आप, ये बताइए। हम तो ये कहेंगे भैया ये बेकार है, जो भी है बेकार है कि नहीं। जो कल का जो मुद्दा उठाता है यहाँ पे नरेला के अंदर, उसके बारे में कितनी शर्मांची है बताइए। बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल। दिल्ली सरकार उसके बारे में क्या करेंगे बताइए। बहुत ज्यादा बेकार है भैया, तो बेकार की बात है सारी, मैं बताऊँ आपको। पर सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है वुमेन सेफ्टी का, दिल्ली के अंदर स्कूल के अंदर बच्चे सेफ नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल। ये नरेला में हमारी जो प्रवीण जी है सोशल वर्कर है, हमेशा लोगों की सपोर्ट करने के लिए आगे खड़े रहे, फिलहाल इनका जब मुद्दा था आज हमेशा ये लोगों या स्कूल या छोटे छोटे बच्चे या कॉलोनी की कोई भी कंप्लेंट है। फिलहाल मैं इस पार्क की जो हालत दिखाऊंगा, इस पार्क की जो हालत है, MCD का पार्क है, और फिलहाल इस पार्क के अंदर इतनी गंदगी मतलब गंदगी है, और यहाँ के जो लोकल हैं जो लोग यहाँ कहते हैं भाई साफ़ सफाई होती, मैं ये साफ सफाई कहाँ हो रही है देखिए पार्क के अंदर। माँ नहीं है ऐसे बच्चों को, बिल्कुल ही मतलब नहीं बोल पाते, डर के मारे शर्म के मारे नहीं बोल पाते, ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाता है। तो हमें अपने बच्चों को दबंग बनाना है, बोल्ड बनाना है, और लड़कियों को मजबूत बनाना है। स्कूल में अगर हमें गुड टच बैड टच सिखाया जा रहा है कि कैसे स्पर्श करना है, कहाँ स्पर्श करना है, उसके लिए किसी भी बच्चे को खड़ा नहीं किया जा सकता है, ना ही लड़की को खड़ा किया जा सकता है, ना ही लड़के को खड़ा किया जा सकता है। उसके लिए एक डमी का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक खिलौने का, एक गुड़िया का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके द्वारा बताया जा सकता है कि बेटा यहाँ पे टच करना हो तो कहो नहीं, यहाँ पे टच करना हो तो कहो नहीं, पीछे टच करना है तो कहो नहीं। कोई भी आपको टच करता है तो उसे साफ मना कर दीजिए कि नहीं टच करना। लेकिन हम चीज़ ये चीज़ें घर में नहीं बता पा रहे हैं, हमको लगता है कैसे बताएं, क्यों बताएं, किस लिए बताएं, अपने आप सीख जाएंगे? नहीं, कोई नहीं सीखेगा, हमें बताना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि समय बदल बहुत तेजी से बदल रहा है, समझ रहे हैं ना, इसी तरीके से। और ये यही कारण हुआ है कि हम उसी ने डमी का इस्तेमाल किया नहीं, उन्होंने बच्चे का इस्तेमाल किया, और इस कारण से उसका कहानी वो गड़बड़ हो गई सारी की सारी। ये गुड टच बैड टच कराने बताने में यहाँ पे भी टच करना पड़ेगा, यहाँ भी टच करना पड़ेगा, और यहाँ भी टच करना पड़ेगा, तो उस कहानी में ये सारा गड़बड़ हो गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्कूल में डमी का इस्तेमाल हो, किसी बच्चे को खड़ा करके उसके ऊपर ना बताया जाए, ठीक है? यहाँ पे बात समझ में आ गई। अपने बच्चे के लिए आपको महीने में एक बार स्कूल में ज़रूर जाकर पता करना चाहिए क्लास टीचर कौन सी है, प्रिंसिपल कौन सा है, कहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसमें क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है, क्या हो सकता है। ये आपके द्वारा निकलेगा तो हम उसका समाधान कर पाए। और कल के मामले में ठीक है, आज क्या हुआ, पूरे दिन क्या क्या किया, क्या से हुआ? हाँ बिल्कुल, कल के पता भी और उस टीचर को निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, उसकी नौकरी चली गई है टीचर की। तो इसलिए ये बात तब हुई है, कल हो गया सारा चीजें, ठीक है। तो आज की बात ये समझ में आई आपको, स्कूल की बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, प्रश्न है? हमको अपने बच्चे का ध्यान रखना है, स्कूल पर ही नहीं छोड़ना है, ठीक है? आपका पूरा अधिकार है शिक्षा के तहत, आप कभी भी जाकर के शिक्षा का जो कानून है आप जाकर अपने बच्चे से पता कर सकते हैं। शिक्षा का कानून पता चल गया, दाखिल में क्या प्रॉब्लम आती है आपको पता चल गया, आप आगे मुझे बता सकते हैं, कोई समस्या आती है तो एडमिशन कराना हमारी जिम्मेदारी। इसके बाद जैसा कि अभी हम बता रहे हैं कि निर्माण मजदूर यूनियन और नेहरू युवा केंद्र, जो हमारी यूनियन है, उन्होंने नेहरू युवा केंद्र से बात करी, और नेहरू युवा केंद्र ने आज हमें 1 मई
2024 को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर उन्होंने हमें महिला मजदूरों को देने के लिए सैनिटरी पैड दिए हैं और हम आज वही वितरित करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपको ये बताने के लिए कि आपको इसका इस्तेमाल करना है, आप कुछ बीमारियों से बच सकते हैं, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे कुछ बीमारियों से बच सकते हैं, गुप्त रोग जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने बताया आपको कि आपको खुजली की बीमारी हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है, सफ़ेद पानी लाल पानी आ सकता है, पीला पानी आ सकता है, अगर इस तरह की समस्याएं आ रही है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेड़ों में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करते हैं हमें तुरंत बताएं, हम आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है, आपका इलाज करवाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारियाँ ही बड़ी बीमारियाँ बन जाती हैं और बड़ा घातक रूप ले लेती हैं। तो इसलिए कभी कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, आपने सिर्फ सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है। मैं आपको सैनिटरी पैड मेरी सारी बातें देखो आपने कम बोली थी लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको मैं बता पाऊँ कि हम लोग दिल्ली संगठित निर्माण मजदूर यूनियन और नेहरू युवा केंद्र मिलकर के महिलाओं के लिए अच्छा अच्छे के लिए सोच रहे हैं। आने वाली 11 तारीख को हम फिर मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में सभी लोग आएंगे और अब की बार हम दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। और इस दौरान अगर आपको कहीं एप्लीकेशन लगानी है, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को साथ में चलना है। क्या शिकायत आपकी बताइए पहले। जो कल स्कूल में ये बहुत गलत हुआ, हमारे बच्चे सेफ स्कूल में बिल्कुल नहीं, हम गरीब है तो उसका मतलब हमारे बच्चों के साथ कुछ भी होगा है, ये यही मुद्दा है सबसे बड़ा कि हमारे स्कूल में ऐसे स्कूल में मतलब अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेंगे, फिर वो पढ़ाई कहाँ से करेंगे बताइए। अब गरीब आदमी क्या करेंगे, बोलेंगे बच्चे पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएं हम बच्चों को, अब माँ बाप से जो टीचरों पे होता है, तो हम तो सोचते नहीं, हम घर में बच्चा सेफ नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं, मान लो हम नौकरी हम कहीं काम मजदूरी करने जा रहे हैं, हम बच्चों को सोचते स्कूल भेज दो, स्कूल भेज दो, बच्चा हमारा सेफ रहेगा, लेकिन वहाँ तो बच्चा मतलब सड़कों से ज्यादा घूमने में स्कूल में सेफ नहीं है बच्चा, हमारा बच्चा ये स्कूल में बहुत सेफ है, यहाँ से अच्छा है, और स्कूल में इस तरीके से हरकत करेंगे टीचरे या मास्टर तो फिर क्या भरोसा। टीचर एक भगवान का दर्जा होता है, टीचर एक बच्चे को मतलब बनाता भी है बिगाड़ता भी है, और फिलहाल ऐसे टीचर वो हरकत कर रहे हैं, उसके बारे में प्रशासन से क्या शिकायत आपको बताइए। हमें शिकायत है कि उन्हें हटाया जाए वहाँ से और मतलब वही कर दे, बात को बहुत बड़ा बनाना है कि बस ये मतलब ये छोटी सी बात नहीं है बच्चे के लिए, कोई बच्चे ना समझे उन्हें नहीं पता है, तुम उनके साथ कुछ भी कर दोगे, अब बड़ों को तो समझाएंगे हम बेटा ये टच है वो टच है, लेकिन इसको हम क्या समझा पाएंगे, तो बच्चा खेलने वाला है, इसे क्या बताएं, चार के क्या बच्चा है, कुछ नहीं है इस बच्चे का। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार यहाँ की जो लाइव तस्वीरें दिखाए, फिलहाल सभी महिला अपने बच्चों से बिल्कुल मतलब बच्चों जो अपने स्कूल में जब जाते हैं उसके लिए बिल्कुल खुश नहीं है, सबसे बड़े एक अहम सवाल एक सेफ्टी की बात हो तो एक स्कूल के अंदर ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना तो सिक्योरिटी गार्ड है और ना कुछ चीज़ है, बस तमाम दिक्कतें बहुत सारी। फिलहाल हम प्रवीण मैडम से बात करते हैं, प्रवीण मैडम जो भी है वो बताएंगे। प्रवीण मैडम ये बता अगला कार्यक्रम आपका कहाँ पर है। हमारा अगला कार्यक्रम हमारा भी 5 अप्रैल से 5 मई से क्या आते हैं हमारा जो प्रोग्राम है रिक्शा का द्वारा हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें मजदूरों को ये बताएंगे भाई आपके जो दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं और आप कैसे उसमें फ़ायदे ले सकते हैं, उसके बारे में हमारा रिक्शा अभियान चलेगा। उसके बाद हमारे कैंप लगेंगे और हमने अलीपुर में हम ये काम करेंगे और उसके बाद 11 मई को क्या आते हैं हम यहाँ पर दोबारा से एक मीटिंग करेंगे, जहाँ पर मजदूरों को अभी समस्याएँ आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्क में जैसा कि DCPCRC में कहा गया है कि हर एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए क्या आते हैं झूले लगाए जाएंगे और हरा भरा पार्क होगा, लेकिन यहाँ पे ना तो झूले ना हरा भरा पार्क है, यहाँ पे सिर्फ पत्थर और मिट्टी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ कहने का मतलब ये कि पार्कों में जो सरकार कह रही है कि हमें ये सब करेंगे वो सब करेंगे, वो सरकार कुछ नहीं कर रही, और दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वो MCD के जो स्कूल हैं उसमें किसी भी तरह का मतलब बच्चा ना तो सुरक्षित है, उधर ना तो कैमरे हैं, जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम कैमरे लगाएंगे हर क्लासरूम में कैमरा होगा, कैमरा नहीं है हर स्कूल में। वो शिक्षा मंत्री आतिशी लगातार बोल रही है कि हमारे स्कूल के अभी फिलहाल आज का जो मुद्दा है तमाम जो 100 स्कूलों को बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है कि भाई स्कूलों के अंदर बम रखे गए हैं स्कूलों की, अभी दिल्ली में जो चेकिंग चली फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में सेफ्टी की जो सबसे बड़ी बात है नरेला के अंदर स्कूल में जो एक घटना घटी, 4 घटना वैसे घट चुकी दिल्ली के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे मैडम। ये ना बहुत निंदनीय घटनाएँ घट रही हैं और ये जो एक हुआ है अभी मैं देख रही थी न्यूज़ की भी NCR और दिल्ली के कई स्कूलों में क्या आते बम रखने की घटनाएँ घटी हैं, अगर ये घटनाएं घट रही हैं ये इलेक्शन का दौर है और कुछ भी हो सकता है, हम इसको हल्के में ना लें,
इसमें पब्लिक को जगाना, जनता को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चे को भेज रहे हैं लेकिन क्या पता वहाँ बॉम्ब है कि नहीं है। अगर आपको ये सूचना मिली है तो वहाँ पर हर एक स्कूल के पास क्या कहते हैं बॉम्ब स्काउट्स होने चाहिए, जो तुरंत क्या कहते हैं बॉम्ब को डिफ्यूज़ करे। अगर क्योंकि अगर हम बच्चे को भेज रहे हैं इस विषय पर भेजें कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, वहाँ पर हर एक जगह पर हर एक कॉर्नर पर कैमरे लगे होने चाहिए। लेकिन कैमरे भी कैसे लगे हैं, कैमरे भी तो ख़राब है इनके, इनके तो वो भी स्कूल में लाइट नहीं आती है, लाइट चली जाती है। तो ये दिक्कत ये है कि हादसा कभी भी हो सकता है, हादसा कहकर नहीं आता, अगर चुनौती मिल गई है तो कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है और हमें ये डर है। और हम रहते हैं बैकवर्ड में, हम सेंट्रल दिल्ली में नहीं हो सकता, साउथ दिल्ली में नहीं हो सकता, ईस्ट में नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्थ हम एक बॉर्डर के एक एरिया में है, हम हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के बीच में, हमारे स्कूलों में भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे हर स्कूल के पास एक PCR होनी चाहिए, एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, स्काउट्स बॉम्ब स्काउट्स के मतलब वो लगे होने चाहिए, जिससे कि क्या कहते हैं हम उस क्राइम को तुरंत रोका जा सके। लेकिन यहाँ पे हमारे स्कूल में चेकिंग ही नहीं हो रही है, नोएडा के उसमें हो रही है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो रही है और दूसरे स्कूल में हो रही है। क्यों हमारे स्कूल में क्यों नहीं चेकिंग हो रही, हमारे स्कूल में भी चेक करना चाहिए, पता नहीं किस माध्यम से कैसे, ठीक है हमारे स्कूल में ही करना चाहिए लेकिन नहीं करें। यहाँ पे तो मैंने नहीं सुना, ना मैंने देखा अभी तक कि कोई चेक करने के लिए आया और ना कोई ऐसी टीम आई यहाँ पे करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जो मतलब जितना भी मतलब मैं बताऊँ आपको सही मायने में नरेला और बवाना नशे का गढ़ तो बना बना है लेकिन हथियारों का गढ़ भी यही नरेला और बवाना बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हथियार भी सप्लाई हो रहे हैं पता है लेकिन लोग बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बम आने में कितना टाइम लगेगा, स्कूल में बम रखने में कितना टाइम लगेगा, जहाँ पे हमारा स्कूल बसा हुआ है, जहाँ पे हमारे बड़ा स्कूल बसा हुआ है वहाँ पूरा नर्सरियों का गढ़ है, वहाँ पे सारा क्या कहते हैं ऐसा सामान आ रहा है जो क्या कहते हैं हथियार बरामद वहाँ से हो रहे हैं लेकिन पुलिस पूरे बरामद नहीं कर पा रही, उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर पा रही, वो लोग भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं, वैसे तो सारी चीज़ों की जाँच होती है, बॉर्डर सारे चीज़ चेक हो जाते हैं, हेलमेट बिना हेलमेट के तो पुलिस वाले रोक लेते हैं, चालान काट देते हैं 2000 का, लेकिन हथियार आ रहे हैं मेरठ से बनकर हथियार लद कर आ रहे हैं, ठीक है। आपके क्या कहते हैं प्रहलादपुर से और क्या कहते हैं आपके आसपास के इलाके से क्या कहते हैं गांजा स्मैक चरस आ रहा अफीम आ रहा है, वो यहाँ तक आ रहे हैं। लेकिन हमें डर है कि हम अपने अभी हम स्कूल में सुरक्षित नहीं है, हमको ये बहुत ही ज़्यादा डर है और हमें खतरा भी है। आतिशी एक शिक्षा मंत्री मैं मानती हूँ, वो ये कह भी रही है कि हमें क्या कहते हैं बचना चाहिए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बोल रहे हैं, नोएडा पुलिस के कमिश्नर भी बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं हमने सेव कर लिया। कौन सा एरिया सेव करा है आपने सिर्फ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, बाकी दिल्ली का क्या साउथ दिल्ली में किया, सेंट्रल दिल्ली आपकी पूरी कवर हो रखी है लेकिन आपने क्या नॉर्थ में किया, नॉर्थ वेस्ट में किया आपने नहीं करा। और आप कह रहे हो बड़े दावे कर रहे हो कि आपने पूरे स्कूल में कर लिया, अगर 100 स्कूल आपको क्या पता कौन से स्कूल में है, आपको सब स्कूल में सुरक्षा दीजिए ना, जिससे कि बच्चों की जान बचाई जा सके। अगर ब्लास्ट हो गया, इलेक्शन का दौर है सर, कुछ भी हो सकता है। मैं दिल्ली की जनता से ये कहना चाहता हूँ, जिसके बच्चे स्कूल में जाते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाए, उनको लेने जाए, क्योंकि हम कानून पर इतना भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता दिल्ली में जो कानून है फिलहाल हमेशा दुर्घटना होती है उसके बाद कानून पहुँचता है। फिलहाल मैं दिल्ली की जितने भी माँ बाप हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाए और स्कूल से लेने जाए, क्योंकि सबसे बड़ा एक सेफ्टी का सवाल है, क्योंकि हमारे सेफ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। मैं तमाम दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, फिलहाल हम सरकारी स्कूलों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है सेफ्टी का, वो प्राइवेट स्कूल में सेफ्टी नहीं है फिलहाल। जो दिल्ली के जितने भी स्कूल के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को छोड़ने जाए और लेने जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ऐसी जो दिल्ली के अंदर जो घटना घट रही है फिलहाल लगातार घट रही है, सेफ्टी का मुद्दा है, लगातार हमारे बच्चों के साथ दुर्घटना घट रही है। ये एक अहम सवाल है, सबसे बड़ा एक सवाल है कि दिल्ली की जो पब्लिक स्कूल ही गारंटी लेगा कौन, आतिशी मैडम नहीं ले रही है, दिल्ली सरकार नहीं ले रही है, तो उसकी गारंटी लेगा कौन, ये सबसे बड़े कैम्प में कहीं सर कैमरामैन हरिओम के साथ चेंजिंग फीचर न्यूज दिल्ली। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया, मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका।